नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एन एमटी न्यूज। एन एमटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सलमान खान और आयुष शर्मा की मोस्ट अवेटेड फिल्म अंतिम शुक्रवार को देश भर में 3,500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। इस फिल्म को जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 के साथ अधिकांश स्क्रीन पर 1:1 के अनुपात में शो साझा करने पड़े हैं। अंतिम की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म को धीमी शुरुआत मिली है। अंतिम के लिए महाराष्ट्र सबसे अच्छा फेयरिंग सर्किट रहा, उसके बाद गुजरात और बिहार का स्थान है। हालांकि उत्तरी बेल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। वैसे ही ये आश्चर्य की बात की फिल्म में सलमान ने एक सिख की भूमिका निभाई है, पर फिर भी फिल्म पंजाब में अच्छी कमाई नहीं कर पाई। हालांकि शाम के शो में भीड़ देखी गई, जो कि एक अच्छा संकेत है। बॉक्स ऑफिस इंडिया वेबसाइट के मुताबिक अंतिम ने 4,25,00,000 से 4,50,00,000 तक का कलेक्शन किया है। वीकेंड में फिल्म का कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। वैसे इसे धीमी शुरुआत कहा जा सकता है, पर फिल्म में सलमान के अलावा प्रोमो में आयुष पर ज्यादा फोकस रखा गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग काफी समय के बाद सलमान खान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT News। NMT News को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।